अंग्रेजी हुकूमत से आजादी की लड़ाई में अपना सर्वस्व बलिदान कर देने वाले कई स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को हम आज भी दिल से याद करते हैं, और देश के कई स्थानों पर बने स्मारक और उनके प्रतीक चिन्ह आज भी हमें उनकी याद दिलाते हैं। इसी कड़ी में मैं आज आप सभी को सुनाने जा रहे हैं एक ऐसे शहीद क्रांतिकारी की कहानी जिसे स्वयं शक्ति की अधिष्ठात्री देवी माता भगवती का आशीर्वाद प्राप्त था, और तरकुलहा देवी मंदिर का इतिहास भी इसी कहानी से जुड़ा हुआ है। गोरखपुर शहर से करीब 19 किलोमीटर की दूरी पर चौरी चौरा रोड पर स्थित तरकुलहा देवी का मंदिर गोरखपुर ही नहीं वरन सुदूर क्षेत्रों से आने वाले श्रद्धालुओं की आस्था का एक प्रमुख केंद्र है। प्रतिदिन यहां आने वाले हजारों लोगों के द्वारा यहां माता की पूजा अर्चना करके मन्नतें मांगी जाती हैं, और ऐसा विश्वास भी है कि जो भी भक्त यहां सच्चे मन से माता की पूजा और आराधना करता है उसकी मनोकामनाएं देवी माँ जरूर पूरी करती हैं। इंटरनेट की सूचनाओं और स्थानीय लोगों से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस मंदिर का इतिहास भी देश की आजादी की लड़ाई से जुड़ा हुआ है, और इस कहानी की शुरुआत होती है सन 1850 ईस्वी के दशक से। तत्कालिक समय में जब पूरे देश में अंग्रेजों का अत्याचार अपने चरम पर था, तो उस समय इस क्षेत्र के डुमरी रियासत के बाबू बंधु सिंह ने आजादी के लिए अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की जंग छेड़ रखी थी। गुरिल्ला युद्ध कला में निपुण बाबू बंधु सिंह माता दुर्गा के बहुत बड़े भक्त थे, और उस समय यह क्षेत्र घने जंगलों से घिरा हुआ था, और यहीं के घने जंगलों के गुप्त ठिकानों से बाबू बंधु सिंह अंग्रेजों के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ा करते थे। यहीं के जंगलों में बाबू बंधु सिंह एक तरकुल के पेड़ के नीचे स्थित माता की पिंडियों की आराधना किया करते थे। अपने लड़ाई के दौरान वो अंग्रेजों से गुरिल्ला युद्ध लड़ते और अंग्रेजों को पकड़कर मां के चरणों में उनकी बलि चढ़ाया करते थे। जल्द ही इसकी भनक अंग्रेजों को लग गई और उन्होंने बाबू बंधु सिंह के पीछे अपने गुप्तचर लगा दिए। परिणाम यह हुआ कि बाबू बंधु सिंह जी अपने किसी स्थानीय सहयोगी के विश्वासघात और अंग्रेजों की रणनीति के शिकार हो गए, और अंग्रेजों ने जाल बिछाकर इन्हें पकड़ लिया। ब्रिटिश सरकार के खिलाफ बगावत के जुर्म में अंग्रेजों ने बाबू बंधु सिंह पर मुकदमा चलाया और जज ने उनको फांसी की सजा सुनाई। 12 अगस्त सन 1857 को गोरखपुर के अलीनगर चौराहे पर बाबू बंधु सिंह जी को सार्वजनिक रूप से फांसी दिया जाने लगा। लेकिन फांसी दिए जाने के दौरान एक अत्यंत चमत्कारी घटना घटित हुई। कहा जाता है कि जल्लाद ने 6 बार बाबू बंधु सिंह जी को फांसी पर चढ़ाने की कोशिश की, परंतु हर बार फांसी के फंदे में लगी रस्सी अपने आप टूट जाती। इस चमत्कारी घटना को देखकर वहां मौजूद अंग्रेज भी हैरान हो गए। इसके बाद वीर सेनानी बाबू बंधु सिंह जी ने स्वतः ही माता का ध्यान करते हुए अपनी फांसी हो जाने के लिए मां से प्रार्थना की। यह मां से बंधु सिंह की प्रार्थना का ही असर था कि जल्लाद अपने 7वें प्रयास में इन्हें फांसी देने में सफल रहा, और जल्द ही इस घटना की चर्चा स्थानीय लोगों के अलावा दूर दराज के लोगों तक पहुंचने लगी, और लोग यहां माता की पिंडियों की पूजा अर्चना करने के लिए आने लगे। ऐसी भी जनश्रुति है कि जिस समय बाबू बंधु सिंह जी को फांसी लगी, उसी समय मंदिर से सटा तरकुल का पेड़ अपने आप टूटकर मंदिर के ऊपर गिर गया और उसमें से रक्त की धारा बहने लगी। वर्तमान समय में भी मंदिर के गर्भगृह के दीवार से सटे उस तरकुल के पेड़ के अवशेष को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु मंदिर में पूजा करने के साथ साथ इस तरकुल के वृक्ष की भी पूजा और आराधना किया करते हैं। तरकुलहा माँ का दर्शन जो भी व्यक्ति करता है उसकी हर मुरादें पूरी होती है, और जो भी व्यक्ति आए सत्य मन से अपनी जो भी श्रद्धा होती है जरूर पूरा होगी। जय माता दी। यहाँ स्थित मंदिर के विषय में ऐसी भी एक परंपरा है कि यहाँ मांगी हुई मुरादें जब देवी माँ पूरी कर देती हैं, तब लोग यहाँ आकर मंदिर परिसर में घंटी बांधकर माता का आभार प्रकट करते हैं। पूरे मंदिर परिसर में बंधी हुई घंटियाँ इस परंपरा की पुष्टि का प्रमाण देती हुई नजर आती हैं। नवरात्रों से अलग सामान्य दिनों में भी यहाँ सदैव मेले जैसा माहौल बना रहता है, और लोग यहाँ आकर विभिन्न मांगलिक कार्यक्रमों और अनुष्ठानों आदि को सम्पन्न करते हुए माता से अपने सुख और समृद्धि की कामना करते हैं। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संसिदा नमस्तस्य 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 नमो नमः। मातृ कुलही देवी का दरबार अनंत ही रमणीय है। यहाँ लाखों हजारों श्रद्धालु अनेक दिनों आते रहते हैं और अपनी श्रद्धा से माताजी से भक्ति भाव पूजा करके अपनी मान्यताओं को पूर्ण करते हैं। चैत्र नवरात्र और शारदीय नवरात्र में यहां आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बहुत ही ज्यादा हो जाती है। तरकुलहा देवी के मंदिर दर्शन के लिए आप गोरखपुर और चोरी चोरा दोनों ही जगहों से नियमित चलने वाले साधनों के माध्यम से यहां आ सकते हैं। जहां गोरखपुर से इस मंदिर की दूरी 19 किलोमीटर है, वहीं चोरी चोरा से इस मंदिर की दूरी मात्र 6 से 7 किलोमीटर की है।
गोरखपुर का महायोगी गोरखनाथ एयरपोर्ट यहाँ से सबसे नजदीकी एयरपोर्ट है और ट्रेन के माध्यम से आप चौरी चौरा या गोरखपुर रेलवे स्टेशन से भी यहाँ आकर दर्शन कर सकते हैं। तो भक्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं। हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके सुझाव और आपकी प्रतिक्रियाएं सदैव आमंत्रित रहती हैं। माता तरकुलहा आप सभी भक्तों का कल्याण करें। जय माता दी।